कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 जोर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री धाम ब्रज मंडल अंतर्गत श्री गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसका नाम श्री नारद कुंड है। श्री नारद की यहाँ पर गिरिराज की तलहटी में इनके चरणों को आश्रय करते हुए भजन कर रहे हैं। बोले क्यों भजन कर रहे हैं? एक कथा आप लोगों ने सुना श्री तीरथ महाराज से, जब श्री श्याम सुंदर गोकुल में प्रकट हुए, नारद जी ने देखा कृष्ण कभी अकेले नहीं आ सकते, वो जरूर अपना हाजरी शक्ति स्वरूप शक्ति को साथ में ही वो आते हैं। अब नारद जी अली गली में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, श्री ईश्वर जो कहाँ प्रकट प्रकट हुए हैं, लेकिन कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं तुंगभद्रा कहीं रति मंजरी रूप मंजरी ये सब, लेकिन राधा रानी कहीं नहीं मिल रही। ऐसे करते करते जब ये रावण में आए और उन्होंने श्री वृषभानंद महाराज को पूछे, घर में कोई बेटी जन्म हुई है, कोई संतान जन्म हुए है, तब उन्होंने मधुमंगल को ला करके दिखाया। बोले कोई बेटी क्या जन्म हुई वो श्रीदास जी को, श्रीदास जी को दिखाया। बोले घर में कोई बेटी जन्म हुई है क्या? क्यों कहोगे क्यों? उन्होंने राधा रानी को उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? बोले यमुना नदी से उन्होंने प्राप्त किया। बोले बताओ ना? बोले हाँ, एक तक लाली भाई है। जब उन्होंने श्री राधा रानी को उन्होंने दर्शन कराया, बोले भैया इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था, मैं इन्हीं को ही मैं ढूंढ रहा था। इतने में उन्होंने बहाना बनाए, अभी राधा रानी को थोड़ा मैं स्तुति स्तव करना चाहता हूँ। बोले घर से स्वस्ति वाचन के लिए कुछ फूल आदि ले आ, मैं स्वस्ति वाचन कर दूंगा। जब वो अंदर में गए, इतने में राधा रानी ईश्वर रूप में प्रकट हो गई, सारी ललिता जी सभा सब सखियाँ प्रकट हो गई। ललिता ने कहा, बाबा क्या देख रहे हो, स्तुति करो, नहीं तो अभी अभी श्री राधा रानी अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर से नारद जी बोले, मुनिन्द्र बिंद बंदिते प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूलि ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सुन संगति राधा रानी को उन्होंने सस्ती वादन कराए थे। इसलिए एक कथा आती है, दूसरी कथा आती है श्री नारद जी कभी उन्होंने शंकर जी के पास में गए, उनसे मानस की सेवा को अध्ययन करने के लिए सुनने के लिए। इतने में श्री शंकर जी ने बोला, देखो कि जो मानस की सेवा है ये वृंदा देवी की कृपा से ही ये मधुर रस में जीव को प्रवेश होता है, तुम वृंदा देवी को पास में जाओ। फिर नारद जी से वृंदा देवी को पास में आए और वृंदा देवी उनको अष्टकादियो जो लीला है संपूर्ण रूप में उनको श्रवण कराया। निशांत लीला से लेकर के उनको नई सलीला तक सुंदर रूप में अष्टकाली लीला उनको श्रवण कराया। बोले देखो ये जो सेवा इतने दुर्लभ है, जो ब्रह्मा शंकर हाँ, इसलिए इन्हीं के लिए भी ये लीला रस में प्रवेश करना दुर्लभ है। हाँ, ये रस को वही प्राप्त कर सकते हैं
अगर कोई गोपियों की अनुगत्य करे केवल उन्हीं की कृपा से ही जीव इसका अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। वो दुर्लभ लीला है तुमको वर्णना करता, तुम उन्होंने अष्टगाल्य लीलाओं को वर्णना किए करके बोले अभी ये चीज में प्रवेश कैसे होगा, ये चीज को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। बोला हाँ, इसका प्राप्त की एक उपाय है, जब तक ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं हो तब तक जीव ये लीला रस में प्रवेश अधिकार नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णत्वम, हे गिरिराज गोवर्धन प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजुन द्वंदमस्मिन मंदम ईत तील कलनार्थ लग्नकस्त्वयर्मे निज निकट निवास देही गोवर्धनत्वम। भगवान कृष्ण इसी गिरिराज गोवर्धन में कंदर कंदरा में कुंजो कुंजो में जो प्रमद मदन लीला, प्रमद मदन लीला मतलब वो जो श्रृंगार रस है उनका जो रास, उनका जो रास है, उनका जो कुंज सेवा है मधुबान, उनका झूला, जितने उनके श्रृंगार रस है कहाँ पर श्याम सुंदर ने किए, बल्कि गिरिराज गोवर्धन में ही किए हैं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, हमारे जितने गोस्वामी सबके सब गिरिराज की परिक्रमा की, क्योंकि ये हरिदास परिजय हैं। इसलिए श्री राधा रानी कहती हैं हंता अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदो। इसलिए ये गिरिराज की कृपा से ही जीव का लीला में प्रवेश होता है। इसलिए नारद जी इसी लोक से उन्होंने फिर गिरिराज यज्ञ यहाँ पर है, इनकी तलहटी में यहीं पर नारद बैठी करके कठोर साधन भजन किया, कैसे हम वो श्रृंगार रस में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए गिरिराज कृपा से ही इन्होंने नारद योग गोपी शरीर की प्राप्त करते हुए गोपी दह से श्री राधा जुगल की उन्होंने सेवाधिकार प्राप्त हुई है, ये एक कथा आती है। यहीं पर ही नारद भजन किए, जो हम कथा सुनते हैं जिस समय श्री हैं कहते श्री कयाद को पकड़ करके इंद्र ले जा रहा था, इतने में हाँ नारद जी आ गए, बोले कहाँ ले जा रहे हो, बोले मेरे अंदर में कोई बुरी भावना नहीं है, एक उसको पिता हिरण्यकश्यप ने सारा दुनिया में टहलका मचा दिया और उसकी औरत से और इसका एक पेट में बच्चा है, अगर पिता अगर बेटा मिल जाए ना पता नहीं क्या नहीं करेंगे, मैं इसको ले जा रहा हूँ कयाद को, बच्चा जन्म होते इसको मार करके वापस दे जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम्हें पता है उसके गर्भ में है कौन, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की, गर्भ में प्रह्लाद महाराज हैं, इसलिए तुम मार नहीं सकते हो, इसका जो बाल भी उठा नहीं कर सकते हो। फिर श्री नारद की कयाद को लेकर के यहीं पर आए और बोले तुम वर मांगो, बोले जब तक मेरे पति नहीं आते हैं तब तक जिससे बच्चा जन्म नहीं हो, इसलिए वो गर्भ में बैठ बैठ करके यहीं पर उन्होंने 60,000 साल तक उन्होंने गर्भ में बैठ बैठ करके उन्होंने कथा की और उन्हीं की नारद की कृपा से ही ये प्रह्लाद महाराज जन्म हुए, इसलिए इनका नाम हुआ प्रह्लाद। प्रह्लाद मतलब क्या, प्रकृष्ट रूप में जो लाद है आनंद है, बोले कब हम प्रकृष्ट रूप में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, बोले जब तक किसी भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक जीवन में आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने बच्चों को नारद जी कृपा से उन्होंने बच्चों को जो शिक्षा दिया सप्तम स्कंध में, हम सुनते हैं प्रभुपाद ने 108 बार वो कथा उन्होंने भक्तों लोगों को पढ़ाया, उन्होंने 108 बार कथा सुनाया शिष्यों को। ऐसे श्री प्रह्लाद महाराज की नारद जी कृपा से ऐसे ज्ञान प्राप्त किया जो राक्षस जो बच्चे थे राक्षस बच्चों को भी उन्होंने भक्त बना दिया, ये नारद जी की ऐसे कृपा हुई श्री नारद जी का प्रति। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया कैसे श्री व्यास देव जी जब समस्त शास्त्र को रचना करते हुए उनके हृदय में शांति नहीं मिल रही थी, तब वहां पर श्री नारद जी आए और नारद जी तब उन्होंने बताया तुमको शांति क्यों नहीं मिल रहा है, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्या नोकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णिता। बोले देखो इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुमने धर्म अर्थ और काम मोक्ष को जितने बढ़ा चढ़ा करके तुमने बताया ना, उतना तुमने भगवान हरि की महिमा को उन्होंने तुमने जी भर करके नहीं गाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं
विशेष करके नारद जी कहते हैं, अगर तुम पूर्ण रूप में आनंद बनना चाहते हो, कृष्ण की जो ब्रज की कथाओं को सुनाओ। हैं, तुमने ये कथा सुनाए कृष्ण कैसे परम ब्रह्म होते हुए भी, कृष्ण कैसे घोड़ा बन करके श्रीदाम मधुमंगल कैसे पीठ पर धोते हैं, भगवान होते हुए भी सखा को झुटने कैसे खाते, सुनाया बोले नहीं। बोले तुमने ये सुनाया कृष्ण मक्खन चोरी करने पर मैया कैसे उखल में बांध देती है, कैसे तान बोल देती है, कृष्ण की मक्खन खाए और कृष्ण कैसे डर से कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं मान। बल्कि कथा तुमने सुना है, बोले नहीं। बल्कि तुमने ये सुना है कैसे ये भगवान होते हुए भी जब श्री रास लीला में कृष्ण स्वयं कहते हैं ना पा रहे हम निरबद्ध संतुजा स्वसाध कृत विभुधा, तुमने कथा सुनाई कृष्ण स्वयं कैसे प्रेम की भीख कैसे गोपियों से प्रार्थना करते हैं, भुज दंत गृहित कंठा, कृष्ण कैसे स्वयं गोपियों की गले में गलवेनिया देकर प्रेम की भीख मांगते, सुना नहीं। बोले राधा रानी जो मान करती हैं कृष्ण कैसे कहते स्मर धरल खंडन मम शिरस मंडन दही पद बल्लभ मुदारम, जहाँ पर राधा रानी मानी होने पर श्याम सुंदर मुकुट उतार कर रख देते हैं बंसी, तुमने कथा सुनाई, बोले नहीं। बोले तुमको शांति कैसे मिलेगी, अगर जीवन में तुम पूर्ण शांति पाना चाहते हो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं नारद जी कहते हैं तुम ये कथाओं को वर्णना करो तभी तुम्हें जीवन में पूर्ण शांति की तभी तुमको प्राप्ति होगी, नहीं तो शांति तुम्हें मिल नहीं सकते हैं। फिर नारद जी अपना आत्मचरित्र को सुनाते हैं, देखो मैं इतने बड़े नारद कैसे बना, नारद मतलब क्या, नर मतलब होता है रस, तब मतलब होता है देते, सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, दर मतलब सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडयती, जीव का सारे बंधन को जो खंडन करते हैं, तब ये नारद भी है। बोले इतने बड़े संत बना कैसे, तो उन्होंने अपना चरित्र को उन्होंने सुनाया कैसे मेरे दासी पुत्र रूप में जन्म हुआ, चातुर्मास में साधु लोग कैसे आए और मैया कैसे संतों की सेवा की, मैं भी जीवन में संतों की मैंने सेवा की है, केवल संतों की सेवा से नारद जी कहते हैं, इसलिए कहते हैं महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार ना हर कर, जब तक साधुओं की सेवा कोई नहीं करेगा, जब तक साधुओं की कृपा नहीं मिलेगा ना, नारद जी कहते भैया हाँ कद रघु बनाई तपस्या न जाति न जया न निर्वाप न गृह दबा नहीं व छंदासी नहीं व जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषेका, जब तक महान चरण को साधु चरण में सेवा नहीं करोगे, भले ही तुम जितने पढ़ लो जड्डा जुटा धारण कर लो वेद पढ़ लो, भैया उससे काम बनने वाले नहीं। इसलिए नारद जी कहते हैं उचिष्ट लेवान अनुग्रहित दिजई, केवल साधुओं का अपना प्रसाद हमने सेवा की, केवल साधु प्रसाद एक बार हमने पाए मेरे हृदय में रुचि प्रकट हो गया, नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में रुचि प्रकट हो गया मेरे हृदय में, इसलिए नारद जी शिक्षा देते संत सेवा करो, इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भागे कृष्ण चरण, यही शिक्षा जीवन में देते हैं। इसलिए नारद जी जिस समय दक्ष प्रजापति बच्चों को जन्म दिया और नारद जी को पास में भेज दिया शिष्य रूप में, जब उनकी संपूर्ण पढ़ाई हो गई, उनको 10,000 पुत्र, जब वो वापस आ रहे हैं इतने में ध्यान देकर सुनो जितने बच्चे लोग हैं, इतने में श्री नारद जी बोले देखो संसार में जा रहे हो, अभी जान बूझ करके अगर संसार में जाओगे ना फिर टिक सकते हो, नहीं तो निकलना बड़ा कठिन है। तब नारद जी उनको कुट प्रश्न करते हैं, आप ध्यान देकर सुनो नारद जी का क्या प्रश्न है, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाए ना जिस बील से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, बता सकते हो इसे कौन सा बील, बोले गुरु जी बील में घुसेगा तो फिर निकल जाए, बोले यही तो प्रश्न है जिस बील में एक बार घुस गए ना जहाँ से निकल नहीं सकते हो, बोले कौन सा बील बताओ, बोले गुरुदेव बता नहीं सकते, बोले ये संसार घर गृहस्थी है, अगर एक बार ये घर गृहस्थी में फंस गए ना बस हो गया तुम्हारी जीवन, सोचेंगे ये एक समस्या दूर हो जाएगा ना फिर घर द्वार छोड़कर भजन करेंगे, फिर तीन समस्या उसके बाद में पांच समस्या है, बल्कि एक पति पत्नी जब शादी होती है ना इतना बेटी बहुत रोती है, लड़की बहुत रोती है, क्यों अपना जाएगी ससुर घर में, समझा रहे थे तू इतना क्यों रो रहे हो चुप रहना, पति ने कहा तू चुप रहो इतनी क्यों रो रहे हो,
मतलब पहला बार मेरे का रोने का था, एक दिन पहला बार ये रोना मेरा हो गया, अभी जिंदगी भर तेरे को रोना पड़ेगा। मैं रोना, मेरा रोना अब दस है, अभी तेरे को रोना पड़ेगा जिंदगी भर। आज का पहला दिन मेरा रोना है। इसलिए ये कहते हैं कि घर की अस्थि ऐसे है, मकड़े जैसे जाल बनाते हैं ना, जाल बनाते बनाते स्वयं उसमें फंस करके अपना प्राण को दे देता है। उसी तरह ये ऐसे जिसमें घुस कर निकल नहीं सकते। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई भी घुमा दे, जो चक्र अपने आप घूमती है। बोले गुरुदेव सारे चक्र तो घुमाना पड़ता है, यही तो प्रश्न है, जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं। बोले ये काल चक्र है जिसको कोई नहीं घुमाते हैं। कब जन्म हुए, कब बड़े हुए, जवानी हो गई, साधु सुधा दांत निकल सफेद हो गया, बाल सफेद हो गया, राम ना सत्य है। तब उन्होंने तीसरा प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है। बोले हंस थोड़ी बोलता है। बोले यही तो प्रश्न है, कौन सा हंस विचित्र विचित्र बात करता है। बोले ये है शास्त्र, गीता, भागवत है। वो क्या विचित्र बात करता है, वो ये कहता है तुम्हारा ये घर नहीं, तुम रिफ्यूज हो।